दोस्तों, अगर आपने छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन कराया हुआ है और अगर आप ऑनलाइन नवीनीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड का होना ज़रूरी है। किस तरह से आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को जनरेट कर पाएंगे, इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हेलो गाइज, दिस इज़ कृष्णा, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल जर्नी टेक ट्यूब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज के डेट में रोजगार पंजीयन दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला जो मेथड है वो है ऑफलाइन मेथड और सेकंड जो मेथड है वो है ऑनलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में आपको पंजीयन कार्यालय में जाना होता है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आपको उसे जमा करना होता है, उसके बाद आपको वहाँ पर पंजीयन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जबकि ऑनलाइन मेथड में आपको ऑनलाइन ही सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेकर आपको अपने ज़िले के रोजगार पंजीयन कार्यालय में जाना होता है और वहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी है उनके सिग्नेचर लेने होते हैं। इस वीडियो में मैंने जो प्रोसेस बताए हैं वो केवल उनके लिए है जिन्होंने ऑफलाइन मेथड से रोजगार पंजीयन बनवाया हुआ है। ऑफलाइन मेथड में आपको जो पंजीयन सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें रोजगार पंजीयन नंबर लिखा हुआ रहता है। जो पंजीयन नंबर लिखा हुआ रहता है वही आपका यूजर आईडी होता है और पासवर्ड जो होगा वो आपके रोजगार पंजीयन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ को आपको उल्टे क्रम में लिखना होगा। जैसे कि जब आप जनरली डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं तो सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर को लिखा जाता है, लेकिन जब आप पासवर्ड जनरेट करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट को लिखना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन अभी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको कुछ और प्रोसेस फॉलो करने होंगे। आपको अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है www.exchange.cg.nic.in। उसके बाद आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़र आईडी और पासवर्ड इंटर करने का, तो जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आप अपने पंजीयन सर्टिफिकेट के आधार पर जनरेट करेंगे उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है उसे आपको यहाँ पर इंटर करना है। फिर सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। किस तरह के पासवर्ड आप जनरेट कर पाएंगे इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यू पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह के ऑप्शन शो होंगे। इन सभी ऑप्शंस का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात मैं आप सभी को बता देता हूँ। बहुत से सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रहे थे कि उनका आईडी ब्लॉक कर दिया गया है, तो इसका रीजन ये है कि जब आप लॉगिन के लिए बार बार गलत पासवर्ड इंटर करते हैं तब आपका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर आप इसे रीओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जिले के पंजीयन कार्यालय में जाकर कॉन्टेक्ट करना होगा। तो बेहतर यही है कि आपने जो भी पासवर्ड जनरेट किया हुआ है उसे आप जरूर से याद रखें, क्योंकि ऑनलाइन पासवर्ड रिकवर करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इन फ्यूचर अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है तो उसकी जानकारी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।